अच्छा उसके बाद नेक्स्ट है बिजनेस कैटेगरी ठीक है जी बिज़नेस कैटेगरी में हमारे पास जो सॉफ्टवेयर आते हैं बिज़नेस कैटेगरी बेसिकली क्या है कैटेगरीज ऑफ़ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के हमारे पास एप्लीकेशन की फॉर्म्स के बाद कुछ कैटेगरीज़ आती हैं जहां पर उन स्पेसिफिक कैटेगरीज़ के रिलेटेड सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं ताकि वो वाले यूज़र जो है उसको यूज़ करें और मैक्सिमम अपनी रिक्वायरमेंट उस फील्ड के अंदर जो है उसको फुलफ़िल करवा सकें तो उसमें सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं बिज़नेस कैटेगरी बिजनेस कैटेगरी के, के अंदर हमारे पास बिजनेस को डील करने वाले लोग जितने भी हैं वो फ्टवेयर को यूज करते हैं तो बिज़नेस के अंदर वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज टू तो क्रिएट एडिट सेव एंड प्रिंट रिटर्न डॉक्यूमेंट्स आप देखते हैं कि जितने भी बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन हैं वो आपस में किसी भी चीज़ को परचेज करती हैं सेल करती हैं या कोई भी चीज़ को यूज़ करती हैं या कोई भी उनकी एक्टिविटी होती है तो उसको वो डॉक्यूमेंट की फॉर्म में जो है वो आपस में एक्सचेंज करते हैं ताकि रिटर्न डॉक्यूमेंट मौजूद रहे दोनों कंपनीज़ के पास और इन फ्यूचर जो है अगर कोई कंपनी कहती है कि नहीं ऐसा नहीं है तो दूसरी कंपनी उनको दिखा सके कि ये देखें जी आपका डॉक्यूमेंट हमारे पास अवेलेबल है इसके अंदर आप अपने लोगो वगैरह भी लगा सकते हैं बिजनेस वाले अपने लोगो लगाते हैं लोगो लगा के आप उसको प्रॉपरली प्रिंटेड फॉर्म में भी रख सकते हैं उसको अगर आप एडिट करना चाहते हैं उसके अंदर कुछ तो एडिट भी किया जा सकता है उसके बाद नेक्स्ट है स्प्रेड तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ही हम स्प्रेड बोलते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर क्या होता है नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स कि ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसको जिसके अंदर जो है ग्रुप ऑफ नंबर्स एंड अदर्स डाटा ऑर्गेनाइज इनटू रो एंड कॉलम्स तो इसमें डाटा को जो है रो एंड कॉलम्स की फॉर्म में ऑर्गेनाइज़ किया जाता है जैसे आप स्मॉल लेवल का कोई बिजनेसमैन है वो अपनी फाइनेंशियली जो ट्रांजैक्शंस हैं उसको कंट्रोल करना चाहता है प्रॉफिट लॉस को हैंडल करना चाहता है तो उसके लिए वो क्या करता है कि बजाय कि वो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को परचेज़ करे जिसकी कॉस्ट ज़्यादा होगी वो वो सप्रेट शीट सॉफ्टवेयर या माइक्रोसॉफ्ट एक्सल सॉफ्टवेयर जिसको हम बोलते हैं उसको परचेज़ कर लेता है और स्मॉल लेवल के ऊपर जो है वो अपनी सारी की सारी जो ट्रांजेक्शन हैं जो प्रॉफिट लॉस जो भी उसका लेन है उसको वहाँ पर वो लिखता जाता है और उसके बाद उसको विद दी हेल्प ऑफ फार्मूला जो है वो अप्लाई करके उसका रिज़ल्ट और उसका चार्ट वगैरह बना सकते हैं कोई बिजनेस मैन है वो देखना चाहता है मुझे प्रॉफिट लॉस कितना विद दी हेल्प ऑफ चार्ट तो पाई चार्ट बार चार्ट लाइन चार्ट सोन तो इस तरह चार्ट की फॉर्म में भी आप उसको देख सकते हैं उसको एनालिसिस किया जा सकता है कि ये मेरे किस मंथ में क्या बजट था और मेरी क्या एक्सपेंसिज थे इसलिए हम जो माइक्रोसॉफ़्ट एक्सेल को यूज़ करते हैं प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स तो बिज़नेस कैटेगरी के अंदर आप देखते हैं कि जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं उसको प्रेजेंट किया जाता है उसके की पॉइंट्स को प्रेजेंट किया जाता है शो किया जाता है ताकि लोग उसको देखें और उसमें उनका इंटरेस्ट डेवलप हो और देन फिर वो उस प्रोडक्ट को जो है वो लॉन्च किया जाता है और उसको फिर ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो परचेज़ करते हैं अगर आप फिल्म इंडस्ट्री को देखें तो इसमें बहुत सारे एक्टर्स होते हैं जो क्या करते हैं कि अपनी फिल्म के आने से पहले उसके जो है वो प्रेजेंटेशन देते हैं उस लोगों के सामने उसके जो है वो डिफ़रेंट व्यूज़ को डिफरेंट पॉइंट्स uh, uh, को बताते हैं इसी तरह आपके पास देखें बहुत सारे बिजनेस मैन हैं जो अपने प्रोडक्ट्स को जो है वो बताते हैं कि जी ये प्रोडक्ट ऐसे होगी इसको लुकवाइज ऐसे होगा तो हर एक फील्ड के अंदर बिजनेस की हर फील्ड के अंदर जो है वो प्रेजेंटेशन ग्राफिक सॉफ्टवेयर यूज़ होता है ताकि यूज़र का इंटरेस्ट मैक्मम डिवेलप हो और आपको वन बाई वन बताने के बजाय जो है उसके अंदर की पॉइंट्स एक बार ही बता दिए जाते हैं जिसको देख के यूज़र का इंटरेस्ट जो है वो उसमें डिवेल्प होता है उसके बाद नेक्स्ट प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर में क्या एन इमेज डिजाइन टू विजुअली इन्हांस अ प्रेजेंटेशन कैन बी यूज इन इलेक्ट्रॉनिक स्लाइड शो एज वेल एज इन प्रिंटेड रिपोर्ट्स स्लाइड शो में आप देख सकते हैं उसको प्रिंटेड रिपोर्ट्स में भी दे सकते हैं स्लाइड इज अ वन पेज प्रेजेंटेशन ग्राफिक दैट कैन बी डिस्प्लेड इन अ ग्रुप विद अदर्स टू फॉर्म एन इलेक्ट्रॉनिक स्लाइड शो जैसे अभी आपके सामने जो है ये भी एक स्लाइड है तो इस स्लाइड के अंदर आप अपनी एनिमेशन को भी ऐड कर सकते हैं ग्राफिक्स को भी ऐड कर सकते हैं वन पेज स्लाइड के ऊपर आप सारे फीचर को वन बाई वन विद दी हेल्प ऑफ एनिमेशन जो है ज़्यादा ईजी वे से शो करवा सकते हैं तो यूज़र जो है उसके अंदर ज़्यादा अट्रैक्शन डिवेल्प होगी और वो ज़्यादा अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकेगा कि ये प्रोडक्ट की वर्किंग कैसे है और इसका जो टोटली पार्ट्स हैं या जो भी इसका स्ट्रक्चर है वो कैसे है नेक्स्ट हमारे पास बिज़नेस कैटेगरी में है नोट टेकिंग नोट टेकिंग सॉफ्टवेयर अलाउ इंडिविजुअल टू रिकॉर्ड ऑर्गेनाइज एंड फाइल इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इन एंग सिंगल प्लेस नोट टेकिंग क्या है कि जैसे आप अपने कुछ स्केडूल मीटिंग्स हैं और आप उसको जो है वो ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं अपनी फाइल्स या इम्पोर्टेंट नोट्स को जो है वो ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास सॉफ्टवेयर अवेलेबल होते हैं नोट टेकिंग के नाम से तो उसको हम जो है वो इंस्टॉल करते हैं और अपने फर आ, यूज अपने टास्क के लिए उसको यूज़ किया जा सकता है नोट टेकिंग सॉफ्टवेयर इज़ ऑफन यूज विद टैबलेट कंप्यूटर्स एंड पेन इनपुट डिवाइस तो आप ये कह सकते हैं कि पोर्टेबल डिवाइस के अंदर मोस्टली इसको यूज़ किया जाता है ताकि चलते फिरते किसी भी जगह पर ट्रेवलिंग करते हुए आप उसको ईजिली मैनेज कर सकें पी डी ए पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट बिजनेस सॉफ्टवेयर पी डी ए स्टैंड फॉर पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट इज़ अ टर्म फॉर अ स्मॉल मोबाइल हैंड हेल्ड डिवाइस द प्रोवाडर कम द प्रोवाइडस कम्प्यूटिंग एंड इंफॉमेसन स्टोरेज एंड रिट्रीवल कैपेबिलटीज़ फॉर पर्सनल और बिजनेस यूज ओपन फॉर कीपिंग स्कीजुअल कैलेंडर्स एंड एड्रेस बुक इंफॉर्मेशन हेंडी तो जैसे लाइक like आप देखते हैं कि कुछ लोग होते हैं उनके साथ एक असटेंट होता है फिजिकली जो 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 उनको बताता है कि जी अभी आपका ये मीटिंग है अभी आपका यहाँ पर ये स्कीजुअल है अभी आपने इधर मूव करना है अभी आपने उधर जाना है इस पर्सन के साथ मीटिंग है इस सिटी में मूव करना है तो उसके बजाय क्या करते हैं पीडीए सॉफ्टवेयर रख लेते हैं पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट सॉफ्टवेयर रख लेते हैं उसके अंदर भी ये सारे के सारे काम आप कर सकते हैं अपने स्केड्यूल को मेंटेन करेंगे कैलेंडर एड्रेस बुक इंफॉर्मेशन सारी की सारी आप उसमें रख सकते हैं तो ये इसका बिहेवियर एज एन असिस्टेंट होगा नेक्स्ट हमारे पास है जी बिजनेस कैटेगरी में पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजर देखें पेम इज़ अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन दैट यूज़ टू टू मैनेज कॉन्टैक्ट्स कैलेंडर टास्क अपॉइंटमेंट्स एंड अदर पर्सनल डाटा जैसे जैसे पी डी ए करा था वैसे ही ऑलमोस्ट तकरीबन पर्सनल इन्फॉर्मेशन मैनेजर भी है इसके अंदर भी आप सारी अपनी अपॉइंटमेंट्स टास्क कैलेंडर्स और अदर पर्सनल डाटे को मैनेज कर सकते हैं कॉन्टैक्ट्स वगैरह को मैनेज कर सकते हैं अच्छा इसमें ऐसे देखें बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनका मकसद तकरीबन मिलता जुलता होता है तो लेकिन हम उसको डिस्कस इसलिए करते हैं कि कुछ यूज़र होते हैं उनके लिए जो है वो कुछ सॉफ्टवेयर ज़्यादा कन्वीनियंट होते हैं वो ज़्यादा इजीली उसको यूज़ करते हैं और कुछ अदर यूज़र्स होते हैं जिनको वो सॉफ्टवेयर कम्पलेक्स लगता है उसके बजाय वो दूसरे सॉफ्टवेयर को यूज़ करना जो है ना ज़्यादा बेस्ट समझते हैं तो इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि जी अगर एक टास्क ये सॉफ्टवेयर परफॉर्म कर रहा है दूसरा भी ऐसे कर रहा है तो ये क्यों कर रहा है ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ़ यूज़र्स के ऊपर कि कुछ यूज़र किसी तरह के सॉफ्टवेयर के इंटरफेस को लाइक करते हैं और कुछ यूज़र जो हैं वो दूसरे को सेम टास्क की परफॉर्म होते हैं लेकिन वो उसको यूज करते हैं ताकि हम उसको ईजीली ऑपरेट कर सकते हैं